Hare Krishna, my name is Aditi Rai. I am studying in 6th standard. I am from Royal Girls High School. I am associated with Narasimha Institute for Children's Education. Today I am going to recite verse 9 from chapter 12 of Bhagavad Gita. Shlok. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासायोगेन तत् माम इच्छा आपतुं धनंजय. अनुवाद. हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो. इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो. तात्पर्य. इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियाएँ बताई गई हैं. पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्णा के प्रति आसक्ति उत्पन्न की है. दूसरी विधि उस पर लागू होती है जिसने भगवान कृष्णा के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है. संसार में इस समय कई इंद्रियां अशुद्ध हो गई हैं. वे सारी इंद्रियां तृप्ति में लगी हुई हैं. इस संसार में कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता. कोई सेवा करवाता है तो धन देता है, और अगर कोई सेवा करता है तो धन के लिए करता है, तो प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता. लेकिन आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को ऊपर उठना होता है. यही भक्ति योग की पूरी विधि है. भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने के लिए मनुष्य को एक गुरु के मार्गदर्शन की में नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे सुबह उठना, स्नान करना, भगवान कृष्णा का कीर्तन करना और अर्च विग्रह पर फूल चढ़ाना. ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है. इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और भगवत धाम प्राप्त कर सकता है. हरे कृष्णा.